हेलो गाइस, मैं हूँ संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजय लाइफ। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था एफआई मनी के बारे में, एफआई डेबिट कार्ड के बारे में जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करा था, पिछले वीडियो में मैक्सिमम जो सवाल थे मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे एफआई मनी के बारे में उनको मैंने पिकअप करा है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एफआई मनी, एफ आई बैंक, एफ आई डेबिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जो पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट करा था और वो एफ आई मनी या फिर एफ आई डेबिट कार्ड के बारे में उन्होंने जानकारी पूछी थी। तो आज के वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो पहला जो सवाल मुझसे पूछा गया है कार्तिकेयन से, लिखा हुआ कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट करके पूछा है, कार्तिकेयन ने पूछा है हाउ टू ओपन दिस अकाउंट आई एम स्टूडेंट। तो कार्तिकेयन सर, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग या फिर कुछ भी करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो आपको ये अकाउंट जो है आप ओपन कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये जो अकाउंट बना हुआ है जो अर्न करने मनी, उन लोगों के लिए ये बनाया गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शिवाद्री भांजो ने अगला सवाल पूछा है चेक बुक अवेलेबल है क्या ऑन रिक्वेस्ट। तो जी हाँ, अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो लिमिट है बहुत ज़्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक चेक बुक हो, तो ऑन रिक्वेस्ट आप ज़रूर इसको मंगवा सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन जो है एफ आई मनी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आपके चेक बुक के लिए ऑन रिक्वेस्ट। हैजल वारसी ने पूछा है हेलो ब्रदर, इन दिस ऐप व्हाट इज़ एफ आई नाइट कोड। तो एफ आई नाइट कोड कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक डिजिटल नंबर से जो आपके अकाउंट को सेव करने में मदद रखता है। तो नेक्स्ट सवाल जो पूछा है मानवी वर्मन ने, पीएफ डिटेल लगता है। तो जी हाँ मैडम, अगर आप सैलराइड पर्सन है, ठीक है, सैलराइड वुमेन है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पीएफ डिटेल्स की, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप खुद से कहीं वर्क करते हैं या फिर खुद कुछ अर्निंग करते हैं, तो आपको वो पीएफ डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल जो पूछा है आयोन पाल ने, डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विथ फेडरल बैंक। तो सर मैं आपको कहना चाहूँ कि मेरा कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं है फेडरल बैंक के साथ, अगर रहता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता। नेक्स्ट सवाल जो पूछा है अरुजीत घोष ने, कितना दिन लगा कार्ड डिलीवर होने में। जो आप कार्ड देख रहे हो, ये जो कार्ड देख रहे हो संजय कुमार जिस पर लिखा हुआ है, कितना दिन लगा इस कार्ड को डिलीवर होने में। और तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्ड है मिनिमम मुझे 7 दिन लगे थे, ठीक है, 7 दिन के अंदर ही मुझे मिल गया था। एक और सवाल पूछा है और आपने पूछा कि कुरियर पार्टनर का नाम क्या था। तो कुरियर पार्टनर का नाम जो था आपको मैं स्क्रीन पे, आपको इस वीडियो के स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो अगला जो सवाल पूछा है राहुल मंडल ने, उन्होंने पूछा है कि वेयर इज़ द एप्लीकेशन। तो राहुल सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो इस एफ आई मनी का जो एप्लीकेशन है अभी एंड्रॉयड में ही अवेलेबल है, आईफोन ऐप में अवेलेबल नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करिएगा एफ आई मनी। अगर आप एफ आई मनी सर्च करते हो तो आपको एफ आई का जो आप वीडियो, इस वीडियो के एफ आई का लोगो जो देख रहे हो, सेम टू सेम एफ आई का लोगो गूगल प्ले स्टोर में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला जो सवाल पूछा है नूर आयशा ने, तो इन्होंने पूछा है कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी इन दिस अकाउंट। तो मैं कहना चाहूँ कि इसमें आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके बहुत सारे ऑप्शन है। आप इन्वेस्ट आप कर सकते हैं यू पी आई आई डी के थ्रू, ठीक है। अगर आप सेव रखना चाहते हैं अपने इस एफ आई मनी के इस एप्लीकेशन पर, अगर आप पैसा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उससे बहुत से, जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन आता है सेव या फिर पे, ठीक है। अगर सेव एंड पे का ऑप्शन आता है, तो अगर आप पे करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप बारकोड के थ्रू भी पे कर सकते हो, ठीक है, और आप यू पी आई आई डी के थ्रू भी पे कर सकते हो, फ़ोन नंबर के थ्रू भी पे कर सकते हो। अगर आप इस पे पैसा जमा करके रखना चाहते हो, ठीक है, जमा करके रखना चाहते हो, तो आपको आपके जो आपकी जो डिटेल्स हैं जो आपको शो करेंगी, लेफ्ट साइड में आपका जो फोटो दिखेगा उस पे जाके क्लिक करेंगे, तो आपको आपका बार कोड, यू पी आई कोड आपको दिखेगा, जिसपे आप अपने पैसे जमा करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो सवाल पूछा है मुझसे उदय एन ने, वेयर वी गेट एफ आई नाइट कोड। तो मैं कहना चाहूँगा जब आप अकाउंट ओपन कर रहे थे उस टाइम सेकेंड जो
सेकेंड जो स्टेप था, सेकेंड स्टेप यानी कि आप जब मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिए ओटीपी के जरिए, सेकेंड जो ऑप्शन था उसके बाद का जो प्रोसेस था, उसके बाद वाले पेज पे आपको FI नाइट कोड का डिटेल्स आपको दिख जाता है। अगला जो सवाल पूछा है ST मोटो ने पूछा है, डिड यू गेट इट फ्रॉम ब्लू डार्ट और अदर, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो के स्क्रीन पे मैं आपको शो कर दूँगा कि किन्होंने ये मुझे किस पार्टनर के जरिए मुझे ये मिला है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। संदीप सिंह ने पूछा है मुझे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, FI का क्या कोई टाई अप है फेडरल बैंक के साथ या फिर कोई अदर बैंक के साथ? तो सर मैं कहना चाहूँगा आपके बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहेंगे तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, अलग वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो अगले वीडियो का प्लीज़ वेट कीजिएगा। तब तक आपने फिर से एक सवाल पूछा है जिसमें पूछा है कि FI का कोई टाई अप है क्या फेडरल बैंक या फिर कोई अदर बैंक के साथ। जी हाँ, फेडरल बैंक सॉरी FI का जो FI मनी का जो बैंक है वो फेडरल बैंक के साथ टाई अप है, और फेडरल बैंक के साथ साथ न्यू बैंक के साथ भी इसका टाई अप है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने में आपको हेल्प मिलता है। जो नेक्स्ट सवाल की ओर, अंकित दुबे ने पूछा है, इसमें कार्ड नंबर CCV नंबर एक्सपायरी नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट में पेमेंट कैसे करें? तो मैं कहना चाहूँगा अगर आपके पास FI मनी का ऑफिशियल जो आपके पास ऐप है तो उस पर आप जाके आपको कार्ड वाले ऑप्शन पे जाके जैसे आप सेलेक्ट करो तो उसमें आपके कार्ड की सारी डिटेल यानी कि जो आपने पूछा है कार्ड नंबर CCV नंबर एक्सपायरी नंबर सारे के सारे शो करेंगे आपको FI मनी के ऑफिशियल वेब पे जाके, ठीक है। तो आप अगर आप देखना चाह रहे हो आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट CCV नंबर या फिर कार्ड नंबर, तो आपको सबसे पहले FI मनी के ऐप पे जाना होगा। ऐप पे जाने के बाद कार्ड वाले ऑप्शन जो राइट साइड में रहता है, जैसे ही आप ओपन करते हो इस ऐप को, राइट साइड पे आपको कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल आपके कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और वहाँ से आप जो भी आप करना चाहते हो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह वेबसाइट पेमेंट वगैरह तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अजीम उद्दीन ने पूछा है मुझसे कि ये फॉरेक्स कार्ड भी है क्या? तो ये जी बिल्कुल अजीम उद्दीन सर, ये फॉरेक्स कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये न्यू बैंक के साथ इसका टाइप है, न्यू बैंक एंड फेडरल बैंक के साथ। न्यू बैंक क्या करता है, आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट सवाल जो अब पूछा है राजेश प्रधान ने, उन्होंने पूछा है FI नाइट कोड क्या होता है भाई? तो इस सवाल का जवाब मैंने कुछ मिनट पहले आपको दे दिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इन्होंने पूछा है, मॉर्निंग स्टार ने पूछा है, बट PF मैंडेटरी है क्या, लिखा है, और ATM कार्ड फ्री है? अगर आप सैलराइड पर्सन है तो आपको PF डिटेल मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप खुद से अर्निंग करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको PF की डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कार्ड जो आपने पूछा, ये कार्ड फ्री है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने अप्लाई किया है FI मनी के वेबसाइट या फिर FI मनी के ऑफिशियल जो है ऐप पे जाके आपने जो अप्लाई करा है तो उस टाइम जो पहला फर्स्ट टाइम जो है आपको FI का जो डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा, आपको फ्री मिलता है। और अगर आप इसे गुम कर देते हो तो रिप्लेसमेंट भी एक बार फ्री है। उसके बाद अगर आप कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्सचेंज करने के लिए आपको ₹250 आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको न्यू डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। तो आई थिंक कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। बोआ सुधीर सर ने पूछा है, इन्होंने पूछा है, इज़ दिस मेटल कार्ड? तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मेटल कार्ड नहीं है, ये प्लास्टिक और रेजिन से मिक्स होकर ये कार्ड बनाया गया है, ठीक है। तो ये कोई मेटल कार्ड नहीं है, आपको दिख रहा होगा मेटल लेकिन ये मेटल कार्ड नहीं है। नेक्स्ट सवाल पूछा है नागराज नायक ने, इन्होंने पूछा है चार्जेस कितने लगते हैं फिजिकल कार्ड के? तो आई थिंक कि आपके सवाल का जवाब पिछले सवाल में आपको दे दिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सैयद कलीम इन्होंने पूछा है, भाई डिलीवरी बॉय डेबिट कार्ड देकर आपसे कुछ चार्जेस लिया या नहीं वो बोलो। तो मैं कहना चाहूँ कि डिलीवरी जो बॉय था मुझसे कोई चार्जेस नहीं लिया था, ठीक है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था जो कि FI मनी के द्वारा भेजा गया था, ये कोई मुझे एक रुपया भी मुझे पे करना नहीं पड़ा था। तो आई थिंक कि आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा।
तो अगर आपको फिर भी कोई कोई सवाल आपको छूट गया होगा, ठीक है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं एफआई मनी के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे ज़रूर पूछें कि आपके क्या सवाल आपके छूट गए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो अगला वीडियो है उस पर आपके सवालों का जवाब कवर कर सकूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद।